मध्य प्रदेश उज्जैन के उन्हेल क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांगला में अज्ञात आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर व चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अन्य 4 आरोपी फरार हैं। पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश उज्जैन के उन्हेल क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांगला में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी राहुल पिता बालाराम धाकड़ और फतेह सिंह कुशवाहा के द्वारा देहात में समूह लोन की किस्त एकत्रित की जाती है। बता दें, ग्रामीणों से वही समूह किस्त लेकर योगेश पिता फतेह सिंह नागदा जा रहे थे, जहां रास्ते में मुस्तफा के खेत के मोड़ पर अज्ञात आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर बीच रास्ते में रोककर राहुल और योगेश को चाकू दिखाकर दोनों के पास रखे किस्तों के 32,500 रुपए आरोपियों ने छीन लिए। फरियादी राहुल व योगेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें, उन्हेल पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आरोपियों द्वारा लूटी गई रकम में से 24,600 रुपए बरामद हुए हैं। बचे हुए 4 आरोपियों को भी पुलिस द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 6/12/2021 को स्पंदन फाइनेंस माइक्रो कंपनी है, जिसके कलेक्शन करने के लिए एक राहुल नाम का और एक इसका साथी था। ये नागझरी बागला इस एरिया में कंपनी के लिए कलेक्शन करते थे। उस दिनांक को 6/12 को ये कलेक्शन करते करते शाम के टाइम में ये लोग वापस आ रहे थे, तो बागला के और नागझरी के बीच में 4 अज्ञात आरोपियों ने, जिसको मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, और इनके द्वारा इनके साथ में चाकू पाइप और डंडे से भय दिखा करके इनके 32,500 रुपये इनकी जेब से लूट लिए गए थे। तो मुखबिर द्वारा ये प्राप्त सूचना हुई कि फलाने फलाने बागला के पिंजारे इस घटना में फलाने फलाने शामिल होंगे। इस बात पर से इनके द्वारा उनको राउंड अप किया गया तो नहीं मिले घर पर, फिर और भी शक हुआ और फिर अंततः पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उन लोगों से 3 लोग पकड़ में आ गए, हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो राहुल के साथ लूट की गई थी उसको स्वीकार किया गया, और करीबन इन 3 लोगों से 24,600 रुपये की बरामदगी कर ली गई है, और एक अभी आरोपी बागला का ही फरार चल रहा है। शेष राशि उससे बरामद की जाएगी।